दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए सीट बेल्ट कैसे काम करता है। दोस्तों आप माने या ना माने, सीट बेल्ट मॉडर्न दुनिया का वो आविष्कार है जिसने कई सारी जानों को बचाया है, क्योंकि अगर सीट बेल्ट ना हो तो अब तक करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी होती। ये सीट बेल्ट न केवल लोगों की गति पर रोक लगाता है बल्कि बड़ी चतुराई से इंटरनल इंजरी को कम करने और एयरबैग पर सुरक्षित तरीके से लैंड करने में भी सीट बेल्ट काफी सहायता करता है। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर सीट बेल्ट कैसे काम करते हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों वैसे तो सीट बेल्ट दिखने में काफी साधारण लगता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा दिमाग लगाया गया है तभी तो इतने सारे लोगों की जान बचा पाता है। दोस्तों सीट बेल्ट एक ऐसा डिजाइन है जिसमें स्पाइरल स्प्रिंग और सीट बेल्ट वेबिंग का इस्तेमाल होता है। स्पाइरल स्प्रिंग का सेंटर एक फ्रीली घूमने वाले शाफ्ट से जुड़ा होता है। जब आप शाफ्ट को घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे स्प्रिंग खींचता है। वेबिंग भी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, जब उपयोग में नहीं होता है तो यात्री वेबिंग में जाने देता है और स्प्रिंग के खिंचाव के कारण वेबिंग अपने आप ही मुड़ जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी बेसिक सीट बेल्ट रिट्रैक्टर है जिसका उपयोग करके हम 3 पॉइंट सीट बेल्ट मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं। जैसा कि दिखाया जा रहा है इस डिजाइन में वेबिंग का दूसरा एंड फिक्स होता है। वेबिंग में बकल क्लिप भी रखी जाती है जिसकी मदद से यात्री आसानी से सीट बेल्ट लगा सकते हैं। ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। रिट्रैक्टर यात्री के आकार के आधार पर पर्याप्त मात्रा में वेबिंग की लंबाई रिलीज करेगा। ये डिजाइन मूवमेंट को ब्लॉक नहीं करती है, जैसे कि किसी भी यात्री को अगर आगे पीछे होना है तो आसानी से हो सकता है, उसे असुविधा नहीं होती। लेकिन असुविधा के साथ साथ अगर एक्सीडेंट हुआ तो ये सीट बेल्ट डिजाइन बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान भी सीट बेल्ट मूव करेगा जिसकी वजह से यात्री आगे की तरफ उछल आएगा और उसे बहुत बुरी चोट लग जाएगी। जबकि एक सही सीट बेल्ट का काम होता है यात्री की मूवमेंट को ब्लॉक करना, जिसमें उसे असुविधा जरूर होती है लेकिन उसकी जान बची रहती है। हालांकि इन सारी चीजों को कंसिडर करके आज के समय में एक इंटेलिजेंट सीट बेल्ट का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जहां एक एक्सीडेंट के दौरान वाहन अचानक से रुक जाता है। इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके एक चतुर मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है। इसमें फ्री रोल स्टील बॉल और एक हिंच का इस्तेमाल करके ये काम हो सकता है, जहां बॉल को रिट्रैक्टर के दूसरी तरफ रखा जाता है और एक स्प्रोकेट रिट्रैक्टर शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी बेल्ट विंड या फिर अनविंड करेगा तो स्प्रोकेट स्पिन करेगा। सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में बॉल रेस्टिंग पोजिशन में होता है जैसा कि दिखाया गया है। हालांकि जब वाहन अचानक रुक जाता है तो वो अपनी इनर्शिया के कारण आगे बढ़ती है। ये मूवमेंट हिंच को आगे बढ़ाता है और लॉकिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा। ये लॉकिंग रिट्रैक्टर से होने वाली वेबिंग के रिलीज पर रोक देगा, जिसका मतलब है सीट बेल्ट बस एक्सीडेंट के दौरान आपके मोशन को रोक लेती है, जबकि ऐसे आप मूव करते हैं और ये आपको मूव करने का पूरा मौका देती है। सीट बेल्ट के शुरुआती दिनों में लोगों का भरोसा जीतना इसके लिए काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि लोग नियमित रूप से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अभी जिस बॉल मूवमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक आम आदमी इस मैकेनिज्म को टेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए इंजीनियर एक इंटरेस्टिंग विचार लेकर आए और उन्होंने एक और मैकेनिज्म डेवलप की जो वेबिंग की गति पर आधारित हो। यदि वेबिंग ऐसे चलती है तो उसे लॉक होना चाहिए, यदि नहीं तो ये बिल्कुल लॉक नहीं होना चाहिए। ये गति पर आधारित लॉकिंग मैकेनिज्म कुछ नए कंपोनेंट्स की मदद से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे पहले एक सेंट्रल पीस शाफ्ट में लगाया जाता है और एक इंटरनल गियर को फ्रेम से जोड़ दिया जाता है। सेंट्रल गियर के ऊपर एक और पीस बिठाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो पीस है वो कसकर सेंट्रल पीस के साथ फिट नहीं होता है, ये थोड़ा लूज होता है और आराम से मूव कर सकता है। जैसा कि दिखाया गया है, यदि सेंट्रल पीस धीरे धीरे घूमता है तो ये दूसरे वाला पीस भी इसी के साथ घूम पाएगा। हालांकि जब सेंट्रल पीस तेजी से घूमता है तो दूसरे वाला पीस उसे मैच नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप एक इंटरेस्टिंग ब्लॉक बन जाता है। जाहिर है जब यात्री तेजी से आगे बढ़ेगा तो सीट बेल्ट ब्लॉक हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये बहुत ही आसान मैकेनिज्म है जिसका हर कोई टेस्ट कर सकता है, जिससे सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने में यात्रियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसका एक और उपयोग है, क्योंकि अगर ये पहला मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो बैकअप में भी एक मैकेनिज्म मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान की बाजी लगी होती है, इसके लिए बैकअप में चीजें रखनी पड़ती हैं। पर दोस्तों सीट बेल्ट से जुड़े मुद्दे अभी पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि सीट बेल्ट किसी एक्सीडेंट के दौरान यात्री की मूवमेंट को पूरी तरह से रोक देता है
तो सीट बेल्ट यात्री की चेस्ट पर हद से ज्यादा प्रेशर बनाएगा, जिससे इंटरनल ऑर्गन्स को चोट पहुंच सकती है। ये वजह है कि मॉडर्न सीट बेल्ट रिट्रैक्टर एक फोर्स लिमिटेड के साथ आते हैं, जो बेल्ट को रिलीज करने में मदद करता है जब ये क्रिटिकल लोड तक पहुंच जाता है। इस प्रकार यात्री के चेस्ट को ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है। यानी दोस्तों, ऑल टोटल देखा जाए तो सीट बेल्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, जिसे अक्सर लोग लगाना भूल जाते हैं और वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कार में यात्रा करने के दौरान एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इंसान सीट बेल्ट लगा कर रखता है तो एक्सीडेंट में उसे चोट लगने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, और इसी वजह से सीट बेल्ट को डिजाइन भी किया गया है। हालांकि जब शुरुआत में इसे डिजाइन किया जा रहा था तो लोगों का इस पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इससे जुड़े फैक्ट्स लोगों के सामने आते गए और लोगों ने खुद ये चीज महसूस की कि हाँ, सीट बेल्ट गाड़ी के टक्कर होने पर उन्हें पीछे की तरफ रखता है ताकि वो घायल होने से बच जाएं, उसके बाद से तो अब लोगों के बीच सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इस जागरूकता को और ज्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि सीट बेल्ट उनके लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। बाकी आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।